friends and students of class 12 informatics practices. In this video, I am going to discuss assignments and Q&A of transfer data between CSV and data frames topic. So here we will begin with objective type questions, that is MCQ and fill in the blanks. Then in another video, we will discuss short answer questions and other type questions. So let we start type A, objective type questions. Before starting this video, I would like to recommend you that you subscribe my channel to get the relevant updates and press the bell notification icon. I am regularly uploading contents on my YouTube channel. So here all these questions I have made from the topics, and I have picked the topic from the depth. So you just understand these questions, how to write answers of particular questions and what will be the options, because I am picking each and everything top from that particular topic. So I am demonstrating this is topic wise. So if you like this, then you can share video and you can hit the like button as well. So let me begin here. The first question from this topic is, the data of CSV file can be shown in which of the following software? So data of CSV files, option A is spreadsheet software only, spreadsheet software and text editor, text editors only, any software. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो डेटा CSV फाइल में होता है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर से हम देख सकते हैं या कौन कौन से सॉफ्टवेयर में दिखा सकते हैं. तो इनके चार विकल्प यहाँ पे इन्होंने दिए हैं. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओनली, तो इसको हम सिर्फ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि MS Excel, ओपन ऑफिस कैलसी, उसी से ही देख सकते हैं. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट एडिटर, जो MS Excel, कैलसी या तो नोटपैड, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे देख सकते हैं. टेक्स्ट एडिटर्स ओनली, टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड आता है वैसे एडिटर से देख सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड लाइक एडिटर या एनी सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट एडिटर. किसी भी सॉफ्टवेयर में हम CSV को ओपन नहीं कर सकते, ओपन करेंगे बट वो डेटा प्रॉपरली हमें रीड करने को नहीं मिलेगा, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है जब ओपन विथ करते हैं. तो ओपन विथ या तो नोटपैड में चलेगा CSV डेटा या तो MS Excel जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में. तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटर. चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर. दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस मोटिवेट्स टू यूज CSV फाइल्स ओवर डेटाबेस ट्रांसफर. तो मतलब डेटाबेस ट्रांसफर से CSV फाइल बेटर है, ये हम किस कंडीशन में कह सकते हैं, या तो ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो नीचे विकल्प दिया है उसमें से जिसमें आप प्रीफर करेंगे कि CSV फाइल्स यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, पहले है CSV अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज. CSV एक कॉमन फॉर्मेट है डेटा इंटरचेंज के लिए. क्या ये डेटाबेस के ऊपर ज्यादा हैवी हो जाता है? ऑप्शन बी, नियरली ऑल स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस सपोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट. जो भी स्प्रेडशीट और डेटाबेस होता है वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है CSV फाइल में. तो ये भी मैं कहूंगा कि ये भी उसका सही उत्तर नहीं होगा. नो नीड टू लर्न और रिमेंबर एनी डेटाबेस कमांड और एनी अदर टूल्स. ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है CSV फाइल में, क्योंकि CSV फाइल में जब आप काम करते हैं तो आपको वहां कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, DDL, DML ऐसे जो कमांड्स आते हैं वो कोई कमांड्स आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है. इसमें डायरेक्टली अगर आपको पाइथन का to_CSV और read_CSV ये दो फंक्शन का नॉलेज हो गया तो आप ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इसीलिए डेटाबेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. और इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, डेटा ट्रांसफर बिटवीन CSV और डेटा फ्रेम. तो वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप पूरे वीडियो वॉच कर लीजिए. इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस उन दो टॉपिक में से ही आएंगे. तो सारे टॉपिक्स में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको वो वीडियो एक बार देख लेना है. उसके बाद अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, या डायरेक्टली आपको अगर पता है, नॉलेज है, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए भी ये पोस्ट रिफर कर सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम टू CSV. तो डेटा फ्रेम में से CSV में अगर ले जाना है डेटा तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? पहला है read_CSV. read_CSV फंक्शन ये यूज नहीं होता है, ये यूज होता है CSV रीड करने के लिए. read CSV ऐसा कोई फंक्शन पाइथन में है ही नहीं,
टू अंडरस्कोर सीएसवी, तो ये करेक्ट आंसर है, बोल्ड किया हुआ है, टू सीएसवी। तो ऐसा कोई फंक्शन पाइथन लाइब्रेरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम टू द सीएसवी फाइल। तो डेटा फ्रेम में से सीएसवी फाइल में ले जाने के लिए कौन से फंक्शन का सिंटैक्स करेक्ट है। नीचे कुछ सिंटैक्स दिए गए हैं, कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। तो ऐसा जब क्वेश्चन हो तो आप पहले देख लीजिए कि कौन सा फंक्शन इसमें से दिया गया है, उसके बाद उसका सिंटैक्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले टू अंडरस्कोर सीएसवी, तो हाँ ये पाइथन लाइब्रेरी में है, टू सीएसवी तो है ही नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, टू अंडरस्कोर सीएसवी कैपिटल में है तो वो भी नहीं आता, और टू अंडरस्कोर सीएसवी पूरा कैपिटल में तो वो भी फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, अब सिंटैक्स देखने की जरूरत नहीं। अगर सिंटैक्स सही दिया है दो तीन में, फिर उसके बाद क्या दिया है तो वो पैरामीटर हम देखते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है। ये जो तीन ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं, तीनों विकल्पों में यहाँ पर फंक्शंस गलत दिए हैं, तो वो देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो पहले ढूंढिए कि इनकरेक्ट क्या हो सकता है। अगर आपको पहले ही नज़र में पता है कि ऑप्शन करेक्ट है तो टिक करिए, अदरवाइज इसमें यह होगा कि आपने अगर लिख दिया तो मार्क्स चला गया, गलत हो जाएगा तो मार्क्स चला जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न है, यू कैन चेंज द सेपरेटर बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। तो टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन जो है उसमें कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे जिससे हम सेपरेटर चेंज कर पाएंगे। तो सेपरेटर, ऐसा कोई पैरामीटर टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन में नहीं है। सेपरेटर अंडरस्कोर कैरेक्टर, ये भी नहीं है। सेप अंडरस्कोर कैरी, ये भी नहीं है। तो आंसर है आपका एसईपी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ एनएन। एनएन जो वैल्यू होती है जिसमें हम कुछ नहीं डालते, या तो वैल्यू भूल जाता है डालने के लिए, या तो इनिशियली हम ब्लैंक रखते हैं। ऐसी वैल्यूज को अगर रिप्रेजेंट करना है, ऐसी वैल्यू की जगह कुछ और लिखना है, तो कौन सा पैरामीटर यूज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है एनए अंडरस्कोर आरईपी, तो ये पैरामीटर इसमें यूज होता है। एनए एन अंडरस्कोर वैल्यू नहीं होता, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होता, एनए अंडरस्कोर आरईपी सही आंसर है। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ डेसिमल वैल्यूज इन फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ रिड्यूसेस ही नहीं, बट आपको चेंज कर देना है डेसिमल, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, कितने डिजिट्स आपको दिखाना है, तो उसी के लिए ये वाला पैरामीटर यूज होगा। उसमें ऑप्शंस दिए है कि डेसिमल, तो ये है ही नहीं ऐसा कोई पैरामीटर। फ्लोट अंडरस्कोर फॉर्मेट, यहाँ पे यूज होगा फ्लोट अंडरस्कोर फॉर्मेट, डेसिमल अंडरस्कोर वैल्यू ये नहीं है। और फ्लोट वाला लास्ट भी वो यूज होता है चेंज करने के लिए, जब आपको फ्लोट में टाइप कास्टिंग करना है तब यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट्स अ बुलियन वैल्यू टू एक्सपोर्ट डेटा विदाउट हेडर्स। आपको हेडर्स के बिना अगर डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे जिसकी वैल्यू बुलियन हो। तो बुलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स या तो नन हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर है हेडर, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। हेडर रो ऐसा पैरामीटर नहीं है, हेडर अंडरस्कोर रो कैपिटल वाला तो हरगिज नहीं है। क्वेश्चन नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सपोर्ट सिलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम ट्री। तो अगर आपको कॉलम एक्सपोर्ट करना है तो कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए सारे पैरामीटर जो दिए गए हैं इसमें कॉल्स ये डेटा फ्रेम के साथ यूज नहीं होता, कॉलम्स यूज करेंगे तो ऐसे वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कॉलम्स। आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीएसवी टू डेटा फ्रेम, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल पैरामीटर इन रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। तो इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, इसका क्या यूज है, इट असाइन्स अ न्यू इंडेक्स टू द स्पेसिफाइड कॉलम। ये गलत है, न्यू इंडेक्स असाइन नहीं करता है। इट विल चेंज द डिफॉल्ट इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम। यस, आपने डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, उसका अगर इंडेक्स चेंज करना है डिफॉल्ट इंडेक्स, तो हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेट रिफर्स टू अ टेबुलर डेटा दैट सेव्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट वेयर डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास। सो द डैश फॉर्मेट, तो ये सीधा इसका डेफिनेशन है, जहां पर भी आपको टेबुलर डेटा प्लेन टेक्स्ट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा मिल जाता है उसे हम सीएसवी ही लिखेंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर टू, अ डैश पैरामीटर रिसीव सीएसवी फाइल नेम। सीएसवी फाइल नेम, तो फाइल नेम आया है तो उसका पैरामीटर ये होगा फाइल पाथ अंडरस्कोर बफ, तो ये वाला पैरामीटर हम यूज करते हैं। नंबर थ्री, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अंडरस्कोर एनए अंडरस्कोर आरईपी पैरामीटर इज डैश इन टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। तो टू अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन में
एन ए अंडरस्कोर आर ई पी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे ये है टू सिंगल कोट्स, जो सिंगल कोट्स हम डालेंगे यानी कि ब्लैंक, कुछ भी लिखा नहीं है, और नन, इन दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर हेडर पैरामीटर इज डैश इन टू अंडरस्कोर सी एस वी फंक्शन। हेडर पैरामीटर में कौन सा है डिफॉल्ट वैल्यू, तो ट्रू है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कॉलम्स पैरामीटर इज डैश इन टू टू अंडरस्कोर सी एस वी फंक्शन, यहाँ नन है। क्वेश्चन सिक्स, अ डैश पैरामीटर ऑफ रीड अंडरस्कोर सी एस वी फंक्शन रिसीव्स अ सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ कॉलम्स टू असाइन कॉलम्स टू द डेटा फ्रेम। तो आपको डेटा फ्रेम को कॉलम्स असाइन करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे नेम्स पैरामीटर। क्वेश्चन सेवन, अ डैश पैरामीटर इग्नोर्स द हेडर एंड असाइन्स बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग टू द डेटा फ्रेम फ्रॉम रीड अंडरस्कोर सी एस वी फंक्शन। तो रीड अंडरस्कोर सी एस वी फंक्शन में ये जो फंक्शन है हेडर, वो आपके हेडर को इग्नोर करेगा और उसको एज अ हेडर रो कंसिडर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर एट, अ डैश पैरामीटर ऑफ रीड अंडरस्कोर सी एस वी इग्नोर द हेडर रो फ्रॉम सी एस वी फाइल। अगर आपको सी एस वी फाइल में से जो हेडर रो होता है टॉप वाला, उसको अगर इग्नोर करके डेटा फ्रेम में डेटा स्टोर करना है, तो आप कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? तो इसके लिए आंसर आता है स्कीप रोज अंडरस्कोर स्कीप रोज इक्वल टू वन। तो आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे वाले पार्ट में हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो दो मार्क के होते हैं, और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपना जो रिएक्शन है, अपना जो रिव्यू है, वो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके फीडबैक दीजिए। फीडबैक से हमें हौसला मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।